हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि सेस एक प्रकार का टैक्स होता है टैली आरपी 9 में। इसे हम कैसे लगाते हैं, तो पहले तो ये जान लीजिए कि सेस किस पे लगता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम सेस लगाते हैं। सेस लगाते वक्त हम सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी या यूटीजीएसटी भी लगाते हैं, यानी कि सेस एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो किसी प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट विशेष पे लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि टैक्स के साथ साथ जो जनरल टैक्सेस हैं, जो हम सीजीएसटी, आईजीएसटी या यूटीजीएसटी जो भी लगाते हैं, उनके साथ साथ सेस भी लगाया जाता है, और सेस एक भारी भरकम टैक्स होता है। तो चलिए ये देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं, हम यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर पर चलते हैं और यहाँ परचेज वाउचर में आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सप्लायर यूनिवर्स नंबर है वो 100 है, ये मैंने ले लिया है, और 1 अप्रैल 2020 को हम ये परचेजिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा संदीप क्रेडिटर, ये लेजर आ जाएगा। अगर आपने नहीं बनाया है तो अल्ट सी करके संदीप क्रेडिटर का लेजर अंडर संदीप क्रेडिटर के अकाउंट में बना सकते हैं। यहाँ पे ले लीजिए इसको, इसका एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे, जो भी एड्रेस है। ठीक है, तो ये एड्रेस हमने डाल दिया, एंटर प्रेस किया, नीचे आएंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ गया। अगर आपने परचेज अकाउंट का लेजर नहीं बनाया है तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, परचेज अकाउंट का लेजर बनाइए, उसको रखिए अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में, और आप परचेज अकाउंट का लेजर बना लीजिए। फिलहाल मैंने बना रखा है तो इसको यहां से ले लिया हमने। अब स्टॉक आइटम बनाने हैं, तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमें अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। हमें बनाना है राजश्री पान मसाला, राजश्री पान मसाला, ये लेजर हमने बना लिया। और यहाँ पे देखिए, इसमें प्राइमरी रखेंगे और यहाँ आइटम कर देंगे हम, और यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, और यहाँ पे गुड्स रहेगा, और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कितने पैकेट आ रहे हैं, 500 पैकेट खरीद रहे हैं, एक पैकेट की कीमत है 150 रुपए। ठीक है, तो 500 पैकेट की कीमत यहाँ आ गई। ठीक है, अब दूसरा है शुद्ध प्लस, यहाँ पे लिखता हूं मैं शुद्ध प्लस, ये जो है टोबैको आइटम्स हैं। ठीक है, और इनको, इनकी जो कैटेगरी है इसमें जो है हमें सेस लगाना होता है, तो यहाँ पे आइटम ही रख लेते हैं हम, यहाँ एप्लीकेबल रहेगा जीएसटी। ठीक है, गुड्स रहेगा, और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। ठीक है, यहाँ से एक्सेप्ट करा लिया। अब 200 क्वांटिटी इसकी पैकेट की खरीद रहे हैं, और एक पैकेट का जो दाम है वो 200 रुपए है, इसके हिसाब से यहाँ टोटल क्वांटिटी आ गई है। अब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी लगाना है हमें, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। तो लेजर बना लेते हैं अल्ट के साथ सी प्रेस करके, सीजीएसटी लिखा हमने, और यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत इसे रखेंगे, तो यहाँ डी प्रेस करेंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगा, इसको लगा लेंगे, और ये जीएसटी है। ठीक है, और ये जो है वो सेंट्रल टैक्स है, तो सेंट्रल टैक्सेस में सेलेक्ट कीजिए आप, राउंडिंग मेथड में आप नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे तो सी जीएसटी आ गया। अब एस जीएसटी की बात है तो यहाँ एस जीएसटी लगाता हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, यहाँ यहाँ जीएसटी रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा स्टेट टैक्स। जैसा कि आप जानते हैं एस जीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे हम, एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये आ गया हमारा एस जीएसटी। अब एट लास्ट सेस लगाना है, तो यहाँ अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, सेस का भी लेजर बना लीजिए सेस। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो गया, और यहाँ पे जीएसटी। ठीक है, और यहाँ पर सेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीन चीजें आ रही हैं, एनी दिया हुआ है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, बेस्ड ऑन वैल्यू। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ एनी रख सकते हैं या बेस्ड ऑन वैल्यू रख सकते हैं, तो बेस्ड ऑन वैल्यू कर देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पर टैक्स अप्लाई हो गया है, और इन दोनों टैक्सेस के मुकाबले ये जो है थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो इस तरीके से हम सेस लगा सकते हैं। यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल, जैसा कि आप जानते हैं मैंने यस रखा है, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। नरेशन में चाहे तो कुछ दे सकते हैं। अब इस एंट्री को हमें देखना है, 100 नंबर का बिल था हमारा, तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली पर आकर 2 बार डी प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगी विंडो, और यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। अगर प्रिंट करवाना हो तो अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो यहाँ ये प्रिंट होकर भी आ जाएगा, ये रहा हमारा, डबल क्लिक करते ये ओपन हो जाएगा, और आप देख पाएंगे कि ये हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी किस प्रकार से लग करके आ गया है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी आ गई है और सब कुछ आ चुका है, देख सकते हैं आप। कुल मिला के 1,81,240 रुपए का हमने परचेजिंग की है, तो ये इस प्रकार से संभव हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे भी बात करेंगे, आगे हम टीडीएस की भी बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।